अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। आज बहुत लेट ही मॉर्निंग हुई है और टाइम हो रहा है एक दस हो चुका है। अभी मेरी मॉर्निंग हुई है, मैं फ़ौरन से अभी फेस वॉश वगैरह किया, मैंने कहा व्लॉग वगैरह स्टार्ट करूँ फिर शॉप चले जाऊँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अगर आप लोगों ने अभी तक शेबी सईद व्लॉग इन्जॉय नहीं किया है तो जल्दी से कर लें शेबी सईद व्लॉग इन्जॉय और करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना। तो आज के व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। मैं अब जल्दी से कॉमिंग वगैरह कर लूं फिर मुझे शॉप जाना है क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुका है। आज एक से ऊपर हो चुका है और मैंने अभी तक नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि दिल नहीं था मेरा नाश्ता करने के लिए। इस वजह से मैंने कहा चलो आज नाश्ता वगैरह नहीं करता, बाद में आके करूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ शॉप। शॉप से फारिग हो चुका हूँ और मेरे ना कल पाँव में ना चोट लगी थी, दोस्तों के पास मैं बैठा हुआ था वहाँ से उठा ना तो मेरे पाँव में ना पत्थर चुभ गया था नीचे, तो बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं थोड़ा लंगड़ा हो चल रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज चोट लगी थी, बहुत ही पेन हो रहा है मेरे पाँव में। अब मैं जल्दी से फ्रेश वगैरह हो जाऊँ क्योंकि अभी शॉप से आया हूँ, फ्रेश होना लाजमी है। जब मैं फेस वॉश कर लूँ ना तो देख रहे हैं कितना चिकना, 10-12 गिरी जाएंगी मेरे सामने। फेस वॉश करूँ बिल्कुल चिकना हो जाता हूँ। अब देखते हैं कि खाना क्या पका है। तो रूम की लाइट ऑन करता हूँ मैं चार्जर भी मेरा यहीं पे रखा हूँ, अपना चार्जर निकाल के रख दूँ पहले। चलते हैं सिस्टर से पूछते हैं खाना क्या बना क्योंकि मैं सुबह नाश्ता भी नहीं किया, अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। आज खाना ना मेरे मतलब का नहीं बना इसलिए मैं बाहर गया, फिर वापस ही अपने रूम में आ गया और मैं हेयर बैंड लगाया अपने लिए, लड़कों का ऐसा नहीं आप लोग समझे लड़कियों का लगाया हुआ है, हेयर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, मैंने बोला चलो ये लगा दूँ। अभी मैं करता हूँ दोस्त को कॉल, उसको मैं बोलता हूँ ज़रा मुझे बिरयानी ला के दे दिया, काफ़ी भूख लगी हुई है, सुबह से नाश्ता नहीं किया और खाना भी मतलब का नहीं है, तो बिरयानी मैं उससे मंगवा लेता हूँ जल्दी से। दोस्त को कॉल कर चुका हूँ और अब मैं इधर बैठकर उसका वेट कर रहा हूँ। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई ज़रा बिरयानी ला दो, ऐसे दोस्त होना चाहिए एक कॉल पे काम करे, जैसे होता है ना एक कॉल पे डाका मारेगा डाका, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मेरे दोस्त है एक कॉल पे करेंगे मेरा काम, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे दोस्त है। उसने कहा बस 10-15 मिनट में ला के दे रहा हूँ, तो मैं इधर अभी बैठ के वेट करो। दोस्त बिरयानी लेकर आ चुका है और मैं निकाल चुका हूँ प्लेट में इसको बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, मुझसे सबर नहीं हो रहा, मैं रूम में लेके जाऊँ जल्दी से इसको फिनिश करूँ। हाय मज़ा आ गया भाई बिरयानी खाने में, क्या टेस्टी बिरयानी था। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी और मैंने बिल्कुल मन के खाया, मेरा पेट फुल हो चुका है और शुक्र है मेरा हेयर भी ठीक हो गया। मैं हेयर बैंड अभी उतार के रखा हूँ और हेयर बिल्कुल सेट हो चुका है, वरना मेरा हेयर तो एनी टाइम ही ख़राब रहता, वो सेट ही नहीं होता। पता नहीं अभी तक ना मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रिज़ल्ट ही नहीं आया, 1 मंथ में आने वाला था, आई थिंक 1 मंथ हो चुका है, 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। मैं आज कॉलेज से पता करूँगा कि कब आने वाला है रिज़ल्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है ना रिज़ल्ट, क्योंकि मुझे काम है अपने रिज़ल्ट से, तो सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लेना क्योंकि आगे कुछ काम करना है, वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा जब सर्टिफिकेट आ जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और पाँव में भी मेरे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, कल चोट लग गया था, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने, फिर उठ के आप लोगों से मिलता हूँ। मैं सिर्फ 10-15 मिनट के लिए लेटा हुआ था, मैंने कहा था कि लेटूंगा फिर उसके बाद उठ के मुझे कुछ काम है वो करूँगा, लेकिन मैं लेटे लेटे सो गया और अभी उठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मुझे कुछ काम भी करना था। अभी 6 में 10 बाकी है, 10 कम बाकी है 6 बजने में, अभी यहाँ खुली है मेरी और वो भी मुझे सिस्टर ने कॉल किया, आज घर में कोई भी नहीं है, सारे सिस्टर के घर गए, अभी ये लोग गए, मैं जब सो रहा था तब ये लोग गए, इससे पहले थे, तो अभी मैं सो कर उठा हूँ, मुझे जो काम करना था वो मेरा काम भी बिल्कुल ही ख़राब हो गया। चलो कोई मसला नहीं, जब टाइम मिले इंसान अब सोए अपनी नींद पूरी करे, वैसे भी मेरी तो रात को नींद पूरी नहीं होती, इस वजह से मैं थोड़ा और भी सो जाता हूँ कि मेरी नींद पूरी हो जाए। और अभी मैं जा रहा हूँ टेरिस में, देखता हूँ कि कैसा है मौसम। कराची में तो गर्मी आ चुकी है, आप लोगों को भी पता ही है कि 1 वीक से ऊपर हो चुका है कराची में गर्मी हो रही है, मौसम सेट नहीं है, शाम के टाइम भी गर्मी लग रही है, हवा चल रही है अच्छी लेकिन
सर्दी नहीं है, सर्दी ख़त्म हो गई कराची में। और जब मैं उस दिन व्लॉग में तोता दिखाया था ना छोटा सा, वो भी भाग चुका है। कल मामा ने मुझे बताया सुबह के वो नहीं है, मैंने कहा नहीं है। वैसे भी वो इतना तेज़ था, वो मक्खियों की तरह भागता है। और ये देखें पिंजरा खाली पड़ा हुआ, नहीं अंदर, पता नहीं, मैं समझा बॉक्स में होगा, बॉक्स में भी नहीं है। अंदर तो कुछ दिख रहा है, नहीं नहीं उड़ गया है, उड़ चुका ये। बहुत तेज था, मुझे तो पहले ही पता था कि ये उड़ जाएगा, ये हर कोई इसको नहीं पाल सकता, क्योंकि ये फिंच तोता है ना, फिंच तोता बहुत ज़्यादा ही तेज़ होता है और बहुत तेज़ उड़ता है ये, इस वजह से ये उड़ गया। फाइनली मुझे पता था ये उड़ना है, पापा ने कहा था इसका ख्याल रखना, उड़ लिया आना, लेकिन ये एक पहले ही भाग गया। और बाहर तो फुल सन्नाटा हो रहा है। अब वैसे भी मगरिब का टाइम होने वाला है, मैं भी जा रहा हूँ नीचे, देखता हूँ चाय वगैरह अपने लिए खुद ही बनाता हूँ, यहाँ बना हुआ होगा, उसको गर्म करके चाय वगैरह पी के ना थोड़ा सा फ्रेश होता है इंसान। वैसे मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन दिल करे सिर्फ उसी दिन पीता हूँ, और जब दोस्तों के साथ बाहर हूँ तो होटलों में पी लिया, वरना तो मुझे चाय पसंद नहीं है बिल्कुल। देखें चाय पका हुआ भी नहीं है, खाली है, अब बनाना पड़ेगा। अब इतना भी दिल नहीं है कि मैं चाय खुद बनाऊँ, छोड़ देता हूँ, नहीं पीता हूँ यार। अभी मैं अकेले घर में ना, मुझे बोरियत हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शॉप ही चले जाऊँ, पापा के साथ बैठे रहूँगा, उनके साथ कुछ बातचीत कर लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, शॉप ही चले जाता हूँ, घर में रहकर फ़ायदा नहीं है ना, अकेले रहकर मैं क्या करूँगा। मैं उस टाइम का शॉप गया हुआ, पापा के साथ बैठा हुआ था, अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, क्योंकि घर में कोई नहीं था। मैंने कहा कि चलो पापा के पास ही बैठता हूँ, और अभी अभी मैं आया हूँ, 11:20 बाकी है। तो अभी मैं अपना लैपटॉप रखा, खाना वगैरह अभी मैंने नहीं खाया, मैं थोड़ा लेट खाऊंगा, क्योंकि मैं लेट सोता हूँ ना, फिर मुझे भूख लग जाती है। अभी लैपटॉप रखा हुआ, और मैंने ना कल अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया था पबजी मोबाइल, आज तक मैंने ना डाउनलोड किया वो, और ना ही खेला, ना ही अपनी आईडी बनाई है। लेकिन बस कल दोस्त बैठा हुआ था, एक न्यू शौक, मैंने कहा यार डाउनलोड करो, खेल के चेक करेंगे कि कैसा होता है, तो आज ट्राई करूँगा। मुझे खेलना वगैरह तो बिल्कुल नहीं आता, और मैंने अपनी पबजी आईडी भी बना ली है, तो आज ट्राई करते हैं। पहले अपना लैपटॉप वगैरह में सारे सिस्टम इधर लगा देता हूँ, फिर इसके बाद खेलते हैं। पूरे लैपटॉप का सिस्टम वगैरह लगा के बैठ चुका हूँ, और अभी पबजी मोबाइल ओपन हो रहा है। इसमें ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, कल भी 10-15 लाजमी लगता है ऑन होने में। मैं कल भी किया ना, तो मैं बोला पता नहीं कि कोई मसला होगा इस वजह से ऑन नहीं रहा, लेकिन ये ऐसे मसला करता है। अभी ये ऑन हो रहा है, इसको मैं जल्दी से ऑन करता हूँ। ओपन हो चुका है फाइनली, और ये पता नहीं इसमें गर्ल्स आ रही है, मुझे पता नहीं, तो इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट। इंसान जब खेलता है ना तो सीख जाता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने कहा जब फारिग हूँ तो खेलूँगा, आज मैं फारिग हूँ ना, तो इस वजह से मैं भी बैठ चुका हूँ, 1 तक गेम वगैरह खेलूँगा, फिर उसके बाद देन अपना व्लॉग वगैरह एडिट करके सो जाऊँगा। तो अभी ये ऑन पे लगा हुआ, ये जल्दी से होता है, फिर खेलते हैं थोड़ा बहुत, देखते हैं कि खेल पाता हूँ या नहीं। ऑन हो चुका है यार, ये पता नहीं क्या आ रहा है, हाँ ये आ चुका है। तो इसमें मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ, जल्दी जाए, ये पैराशूट ऑन हो चुका है। ये W से आगे जाता है, फिर D से इधर होता है, A से इधर होता है, और फिर S से पीछे होता है। यार इसमें गन लेना नहीं आ रहा, इसमें गन पता नहीं कैसा आता है। आई थिंक आगे जाके लेफ्ट है, लगता है मैं पबजी गेम खेल के पबजी गेम की तोहिन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आ रहा, वहाँ से फायर की आवाज़ आ रही है और मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। ये जा रहे हैं, मैं ज़रा मैं ये चेक कर दो, ये क्या है,
ये कुछ भी नहीं है, ये है क्या, ये क्या आ गया, कहाँ से लेंगे वेपन? नहीं आ रहा मुझे, मैं बंद कर रहा हूँ ना पबजी गेम की तोहिन होगी, सारे जितने भी पबजी लवर है ना मुझे आगे मारेंगे, पकड़ के बोलेंगे ये क्या कर रहे हो तुम, गेम खेलना नहीं आता और इसकी तोहिन कर रहे हो। तो मैं इसको कर देता हूँ यार फाइनली क्लोज, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा यार ये यहाँ से हो जाएगा क्लोज। चलो ओके ओके कैंसिल, यस रिफ्रेश। तो मैं यही बैठे बैठे अपने व्लॉग को कर देता हूँ एंड, क्योंकि टाइम भी 11 बज रहा और अब मुझे अपना काम करना है, पबजी तो मुझसे खेला गया नहीं, तो अब अपना व्लॉग वगैरह एडिट करूँगा, फिर मुझे अपने कुछ ग्राफिक का काम है वो करना है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।